डियर स्टूडेंट्स, अब 10th पार्ट आता है। 3k+5 अपॉन 4k-3 इज इक्वल टू क्या है, 4/9। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके इधर 3k+5 से, और 4k-3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो ये अब 9 को मल्टीप्लाई करो 3k से, 9 3 27k, फिर प्लस 9 5 45 इज इक्वल टू 4 4 16k, -4 3 12। अब हम के एक साइड कर लेंगे, कॉन्स्टेंट एक साइड, तो के वेरिएबल 16k को इधर कैरी करो, 45 को इधर कैरी करो, तो 27k -16 इधर आके -16 हो गया, ये इधर 45 इधर आके -45 हो गया, तो -12 -45। अब 27 में से 16 माइनस करो 11k इज इक्वल टू, ये दोनों नेगेटिव हैं, दोनों को प्लस कर लो, -57। के की वैल्यू आ जाएगी -57/11। तो ये हमारे पास के आ गया। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे इसकी। फॉर के इज इक्वल टू -57/11, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 3k+5 / 4k-3, और राइट हैंड साइड है 4/9। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 3k+5 / 4k-3, के की वैल्यू पुट करेंगे -57/11, ऊपर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह पुट कर दिया। अब ये आपस में कटते हैं, नहीं कटते, नहीं कटते तो मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। 3 को -57 से करेंगे तो -171/11 +5, फिर 4 को करेंगे -57 से -228/11 -3। इसका एलसीएम ले लो, नीचे वाले का एलसीएम ले लो, ऊपर 11 एलसीएम आ गया दोनों का, 11 से 11 कैंसिल हो गया, -171 प्लस ये 1 है, 1 से इसको 11 को डिवाइड करेंगे, 11 पे जाएगा, 11 5 द 55। ऐसे ही नीचे एलसीएम ले लिया हमने 11, 11 से 11 कैंसिल, -228 और -11 3 द 33। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -171 में 55 ऐड करेंगे तो -116/11। ऐसे ही दोनों नेगेटिव साइन हैं, दोनों साइन नेगेटिव आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, -261/11। रेसिप्रोकल कर लो, -116/11 × 11/261। रेसिप्रोकल हो गया, 11 ऊपर आ गया और 261 नीचे। अब 11 से 11 कैंसिल 1 पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 29 पे कटते हैं, 29 4 द 116 और 29 9 द 261। तो ये हमारे पास 4/9 आ जाएगा, वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके बाद आता है 11th, 11th पार्ट में देखिए, 11th पार्ट में क्या है, 0.5x-4/2.4x+6 इज इक्वल टू -5/3। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। अब आता है 11th पार्ट, 0.5x-4/2.4x+6 इज इक्वल टू -5/3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये डेसिमल हटाएंगे, क्या आएगा हमारे पास, 5/10x-4 और नीचे 24/10x+6 इज इक्वल टू -5/3। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई इनसे हो जाएगी, और 24/10x+6 की मल्टीप्लाई -5 से हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, तो क्या आ गया हमारे पास, 3 5 द 15/10x-3 4 द 12 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -120/10x-5 6 द -30। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसमें x वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो इसको उठा करके इधर ले आए, प्लस हो गया ये 120/10x और ये 12 इधर आके प्लस हो गया। तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल 15x प्लस 10 से 10 कैंसिल 120x इज इक्वल टू -30 + 12 -18 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो, -135/10x हो गया इज इक्वल टू क्या है, -18। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा हमारे पास, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर जा कर के 10 मल्टीप्लाई में और 135 डिवाइड में। तो अब इसको कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल होते हैं ये, 5 2 द 10 5 2 द 10 5 7 द, फिर ये 9 पे कैंसिल होते हैं, 9 2 द 18 9 3 द 27। तो ये -2 2 द 4/3, ये हमारे पास x आ जाएगा। अभी वेरीफाई करेंगे इसको, तो ये वेरिफिकेशन आप कर लें, खुद करके देखेंगे।
यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है एक्स की, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के और -4/3 पुट करेंगे तो वो -5/3 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास 12th पार्ट, x/3 -2/5 / 3/4 - 2x = 16/15। हम क्या करेंगे, उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को इनसे मल्टीप्लाई किया और 16 को इनसे मल्टीप्लाई किया, 15 से करेंगे इसको 15/3x - 15 to the 30/5 = 16 3 the 48/4 - 16 to the 32x। अब ये कैंसिल कर रहे हैं 3 से, 3 5 the 3, 3 5 the 15, 5 6 the 30, 4 से करेंगे 4 1 the 4, 4 2 the 8, तो ये 5x - 6 = 12 - 32x। तो ये आ गया हमारे पास, इसमें x वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो -5x + 32x = ये 12 है, 6 इधर आगे प्लस हो गया, इन दोनों को ऐड कर लो, 37x = क्या आ गया, 18। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18/37। तो ये x की वैल्यू 18/37 लेकर के वेरीफाई करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे x/3 - 2/5 / 3/4 - 2x। एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दो और यहाँ पे भी पुट कर दो, ये पुट कर दिया हमने, एक्स क्या पुट किया 18/37 इंटू क्या हो जाएगा नीचे 3 - 2/5 / 3/4 - 2 × 18/37। अब ये 3 से कैंसिल होता है, 3 6 18, तो 6/37 - 2/5 / 3/4 - इनको मल्टीप्लाई कर लो 36/37। अब इसका एलसीएम ले लो, नीचे इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 185, 37 से कैंसिल करेंगे इसको 5 पे जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 6 से, 5 6 था 30, माइनस 5 से कैंसिल करेंगे 37 पे जाएगा, 37 2 था 74। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 148, 4 से करेंगे इसको डिवाइड, 37 पे जाएगा, 37 3 था 111, माइनस फिर 37 से करेंगे इसको 4 पे जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 144। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो -44/185, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो -33/148, रेसिप्रोकल कर लो, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 44/185 * 148/33। अब ये आपस में कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल करके 11 3 द 33, 11 4 द 44, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4/5 यानी 4 4 द 16/5 3 द 15, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये 37 पे कटेगा, 37 4 द 148, 37 5 द 185, 4 4 द 16, 5 3 द 15। तो इस तरह से हम इसको, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद आता है 13th पार्ट में, देखिए 1 - 2x + 1 + 2x / 4x + 1 + x - 3 = क्या है 1/2। अब ये ब्रैकेट के अंदर दिया है, कोई बात नहीं, 1 - 2x प्लस प्लस है तो साइन ऐसे रहेंगे, 1 + 2x / 4x + 1 प्लस प्लस है तो x - 3 एज इट इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए 1 + 1 क्या होता है, 2 2x में से 2x माइनस करेंगे 0 कट जाएगा ये, अपॉन 4 + 4x + x क्या हो गया 5x, और 1 - 3 क्या हो गया -2 = क्या आ गया 1/2। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 2 को मल्टीप्लाई 2 से कर दो 4, 5x - 2 को 1 से करेंगे तो 5x - 2। अब इसमें कांस्टेंट को इधर ले आओ, इधर वेरिएबल नहीं है, अकेला कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, -2 को इधर ले जाओ, तो 4 + 2 = क्या रह गया 5x, यानी 5x = 6 आ गया, 4 + 2 = 6, 5x = 4 + 2 = 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5, तो ये x हमारे पास 6/5। अब ये वेरीफाई करेंगे x = 6/5 लेके, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास 1 - 2x + 1 + 2x / 4x + 1 + x - 3, तो ये हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 6/5, यहाँ पे भी, यहाँ भी, नीचे भी और यहाँ भी, तो ये पुट कर दो 6/5 6/5 पुट कर दिया, नीचे भी 6/5 पुट कर दिया। अब 1 - 12/5 x 12/5 + 1 + 12/5 / 4 6 = 24/5 + 1 + 6/5 - 3। अब ये सॉल्व करेंगे इसको, ब्रैकेट खोल देंगे,
दोनों के बीच में प्लस है तो साइन एज इट इज रहेंगे। तो ये 1 माइनस 12 बाई 5 प्लस 1 प्लस 12 बाई 5 अपॉन में क्या है, दोनों का एलसीएम ले लिया, क्या आ गया 5, 5 से 5 कैंसिल 24 और 5 वन द 5 प्लस इसका भी एलसीएम 5 आ गया, 6 एज इट इज 5 थ्री द 15। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 बाई 5 में से 12 बाई 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 1 प्लस 1 क्या आ गया 2 अपॉन 24 प्लस 5 क्या हो गया 29 बाई 5 प्लस 6 में से 15 माइनस करो -9 बाई 5, इन दोनों का एलसीएम ले लो नीचे, 5 से 5 कैंसिल 29 माइ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 से 5 कैंसिल 9। तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 2 अपॉन क्या आ गया 20 बाई 5, ये कैंसिल होता है 5 से, 5 फोर द 20 यानी 2 बाई 4 आ गया, 2 से कैंसिल कर दो 1 बाई 2 आ जाएगा हमारे पास। और यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो जाता है, ये वेरीफाई हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। इसके बाद आता है 14th पार्ट। 14th पार्ट में देखिए x² माइनस x+2 इंटू x+3 अपॉन 7x+1 इज इक्वल टू क्या है 2/3। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x+2 इंटू x+3 को, तो x² माइनस ब्रैकेट बिग ब्रैकेट स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दी x+3 प्लस फिर 2 की मल्टीप्लाई x+3 से कर दी ब्रैकेट क्लोज अपॉन 7x+1 एज इट इज इक्वल टू 2/3। अब x की मल्टीप्लाई x से करो x², x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3x प्लस 2 को करेंगे x से 2x प्लस 2 3 द 6 अपॉन में 7x+1 इज इक्वल टू 2/3 एज इट इज। तो ये x², अब ये साइन क्या है, माइनस का है, नेगेटिव साइन है, तो इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, सारे साइन चेंज हो गए। तो -x² -3x -2x -6 अपॉन में 7x+1 इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए x² से x² क्या हो गया कैंसिल, x² में से x² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। -3x और -2x को ऐड कर लो -5x -6 अपॉन 7x+1 इज इक्वल टू 2/3। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी और 2 की मल्टीप्लाई 7x+1 से होगी, तो 3 5 द -15x -3 6 द 18 2 7 द 14x प्लस 2 1 द 2। 14x को इधर कैरी करो 18 को इधर, तो -15x ये इधर आगे -14x हो गया, ये -18 इधर आगे प्लस हो गया, दोनों को ऐड कर दो -29x इज इक्वल टू 18 प्लस 2 क्या हो गया 20। एक्स की वैल्यू क्या होगी 20 बाई -29 या -20 बाई 29, नेगेटिव ऊपर आ गया, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास -20 बाई 29 आ गई। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे इसको। तो वेरीफाई के लिए देखिए ये फॉर एक्स इज इक्वल टू -20 बाई 29 है, ये इक्वेशन थी x² माइनस x+1 x+2 इंटू x+3 अपॉन 7x+1 इज इक्वल टू 2/3 था। अब ये जो सॉल्व किया हमने, हमने इसको ये सॉल्व किया है यहाँ पे, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन बन गई थी, तो ये लीनियर इक्वेशन हमने यहाँ लिख ली -5x अपॉन -6 अपॉन 7x+1 इज इक्वल टू 2/3। हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर के, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही आया है ये, तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो -5x -6 अपॉन 7x+1, एक्स की वैल्यू क्या पुट की है हमने, क्या पुट किया है -20 बाई 29, तो ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ भी और यहाँ भी, तो इनको मल्टीप्लाई करो 100 बाई 29 -6 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करो -140 बाई 29 +1 हो गया, इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 29, 29 से 29 कैंसिल 100 -29 6 द 174। फिर नीचे एलसीएम ले लिया 29 आ गया, 29 से 29 कैंसिल -140 प्लस 29 1 द 29। अब 100 में से 174 माइनस करो -74 अपॉन 29, और इसमें से -140 प्लस 29 करेंगे तो -111 अपॉन 29। अब इसको रेसिप्रोकल कर दिया -74 बाई 20 इंटू 29 बाई -111, माइनस माइनस कैंसिल हो गया प्लस हो गया, 29 से 29 कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल करेंगे हम 37 पे कैंसिल होता है, 37 2 द 74 37 3 द 111,
तो ये 2/3 हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है, तो ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है, एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।